आगरा में इस बार दयाल बाग क्षेत्र में सजाई जा रही जनकपुरी में जन जन के हृदयवासी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य बारात की अगवानी समाज सेवी उद्यमी आलोक अग्रवाल बीएम हॉस्पिटल करेंगे। श्री जनकपुरी महोत्सव समिति द्वारा मंगलवार को दयाल बाग रोड स्थित होटल विजय विलास में समाज सेवी और उद्यमी आलोक अग्रवाल बीएम हॉस्पिटल को राजा जनक घोषित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती आरती अग्रवाल, रानी सुनैना, पिता मुरारी लाल अग्रवाल अछनेरा वाले, भाई डॉक्टर आशीष अग्रवाल, केशु अग्रवाल, अमित अग्रवाल और मीनाक्षी अग्रवाल सहित उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के नारों से कार्यक्रम स्थल रह रह कर गूंजता रहा। स्वागत समारोह में श्रीमती प्रीति गर्ग, मीनू गुप्ता, पूजा जायसवाल और पार्वती शर्मा ने रानी सुनैना का गुलाब के फूलों की माला पहना कर स्वागत किया और उन्हें बधाई और शुभकामनाएँ दी। बड़े सोच समझ के पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि पीएम फार्म हाउस के मालिक और पीएम हॉस्पिटल के मालिक श्री आलोक अग्रवाल जी का नाम सबसे उपयुक्त, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में उन्होंने बहुत ही सेवा का उच्च मापदंड स्थापित किया। सभी लोग की एक मुझे राय थी इस बार आलोक अग्रवाल जी को राजा जनक के लिए बनाया। आगे बढ़िया तैयारी चल रही है, कल या परसों उसका भूमि पूजन होगा, राजनक यादव का भूमि पूजन होगा और हम सब लोग चाहेंगे कि आप सब लोग आए और इस पर थीम क्या रहेगी, उसकी प्रतिकृति क्या रहेगी, वो भी कल हम कल या परसों आप सबको बता देंगे। जनक जी के पराक्रम में स्थान ग्रहण करें। शक्तियों में इतनी बड़ी तो कभी हुई नहीं, तो मैं कभी उनकी माँ बनूंगी, ये मेरे लिए सब बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप क्या सी तैयारियां चल रही है, क्या आगे प्लान है? मेहंदी हल्दी बारात सब कुछ बहुत अच्छे से कराएंगे, उन्होंने ही मौका दिया तो वही कराएंगे सब कुछ। घर में एक तरह से पूरी शादी की तैयारी है, शादी का समारोह और मैं इस समारोह में राजा जनक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर तैयारियां चल रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि जनक बनने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा अपने अभी प्रतिक्रमण काल में, लेकिन प्रभु की कृपा से मुझे अगर ये सेवा को मिला है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा पाऊँ और इस समारोह में अपना योगदान दे पाऊँ और ये मेरे लिए आनंदित क्षण है, मेरे जीवन के बड़े गौरवशाली क्षणों में से एक क्षण है जिसका मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार और देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।